नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में एक बार फिर से। और टाइम्स ड्राइव टीम पहुंची है इंडिया की बिरयानी कैपिटल हैदराबाद में, और यहां हम चलाने वाले हैं मर्सिडीज बेंज की लेटेस्ट इलेक्ट्रिक सवारी मर्सिडीज बेंज EQS 580 को। अब एक्सटीरियर में इस EQS 580 में क्या ऑफर करा गया है, बात करते हैं उसकी। तो यहां पे मर्सिडीज का ही इलेक्ट्रिक ग्रिल, 3-स्टार लोगों की भरमार यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो सेंटर में भी एक बड़ा सा यहाँ पे 3-स्टार लोगो दिया गया है। 360 कैमरा आता है, तो फ्रंट में ये कैमरा वगैरह सेंसर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड कुछ कुछ AMG वाले हिंस भी आपको इसके फ्रंट साइड और रियर में देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप फ्रंट का एक ग्रिल सेक्शन देखेंगे, तो ये AMG वाला डिज़ाइन इसके फ्रंट में दिया गया है। क्रोम के एक्सेंट्स यहाँ देखने को मिल जाते हैं, एंड बॉडी कलर प्लस पियानो ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पर एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं इसके फ्रंट में। एंड यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद LED DRLs आपको फ्रंट में देखने को मिलते हैं इस EQS 580 के अंदर। अब साइड प्रोफाइल की बात करें, तो यहाँ पर इसका आपको वॉशर फ्लूइड भरने के लिए यहाँ पे स्लॉट वगैरह दिया गया है। EQS की बैजिंग है, एंड AMG स्टाइल आपको इसके अलावा भी मिलने वाले हैं। 21 इंच के टायर दिए गए हैं। मर्सिडीज का सेंटर में आपको लोगो देखने को मिल जाएगा, एंड फुटस्टेप दिया गया है। फ्लश दो हैंडल्स हैं जो कि आप टच के साथ ओपन या क्लोज कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे इसमें दिया गया है। ओवरऑल गाड़ी की लेंथ की बात करूँ, तो अराउंड 5136 5100 मिलीमीटर के आसपास इसकी ओवरऑल लेंथ है गाड़ी की। एंड क्लैडिंग की बात करें, जो आगे से पीछे तक दी हुई है, वो भी आपको पियानो ब्लैक फील के साथ यहाँ पर साइड में देखने को मिल जाएगी। अब रियर प्रोफाइल कैसा है वो भी देखते हैं। अब रियर प्रोफाइल में भी आपको जो कनेक्टेड लाइट दी गई है, फुल LED आती है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह डिजाइन दिया गया है। EQS 580 की बैजिंग, 4MATIC की बैजिंग यहाँ पर इसमें, क्योंकि आपको ऑफ रोडिंग वाला ऑप्शन भी मिलता है। एंड जो रियर एप्रन है वो भी आपको AMG डिजाइन के साथ देखने को मिलेगा। क्रोम का फील है, पियानो ब्लैक टच सेंसर्स वगैरह थ्रू आउट देखने को मिल जाएंगे, एंड ओवरऑल कुछ इस तरह से ये इसका रियर प्रोफाइल देखने को मिलता है। अब चलते हैं अंदर, किस तरह का कैबिन फील है इस मर्सिडीज की EQS 580 में। लेट्स गो एंड चेक दैट आउट। तो इंटीरियर में क्या इस मर्सिडीज की EQS 580 में ऑफर करा गया है, सबसे पहले तो ये ह्यूमंगस हाइपर स्क्रीन यहां पर, जिसका मेन अट्रैक्शन है कैबिन में बैटरी जो आपको यहाँ सामने दिखेगा, और 17.7 इंच का इसका सेंटर इंफोटेनमेंट स्क्रीन दिया गया है टच के साथ। एंड यहाँ पर पैसेंजर के लिए भी अलग से स्क्रीन है 12.5 इंच का, एंड 12.5 इंच का यहाँ पर इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है जो कि फुली डिजिटल है। यहाँ पर फीचर्स की बात करें, स्क्रीन में थोड़े बहुत फीचर्स जो इसमें दिए गए हैं, इसमें ADAS लेवल 2 के आपको फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं जो आप यहां से ऑपरेट कर सकते हैं, उनकी सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, तो ये कुछ ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं। इसके अलावा डायनामिक सिलेक्ट है, जहां पर आपको अलग अलग मोड का ऑप्शन है, इको, कम्फर्ट, स्पोर्ट, इंडिविजुअल, ये सब ऑप्शन आपको इन टर्म्स ऑफ मोड्स इसमें दिए गए हैं। यहाँ पर जाते हैं मेन्यू में, एंड यहाँ पर ऑफ रोड का भी ऑप्शन दिया गया है, तो ऑफ रोड मोड में अगर आपको जाना है तो उसके हिसाब से आपको पूरी सेटिंग्स यहाँ पर देखने को मिलेगी, सस्पेंशन की, ड्राइव के हिसाब से। एंड यहाँ पर आपको फ्रंट व्यू भी देखने को मिलेगा, यानी कि बोनट के नीचे का जो व्यू है गाड़ी जब चलेगी, तो वो भी आपको यहाँ पे इस कैमरे में देखने को मिल जाएगा स्क्रीन के ऊपर, जो इसमें दिया गया है फीचर के तौर पर। इसके अलावा एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस ऑप्शन के साथ आते हैं, एंड यहाँ पे मीडिया, रेडियो, मर्सिडीज EQ कनेक्टिविटी एंड फोन कनेक्टिविटी डिवाइस। कम्फर्ट की बात करें, तो यहाँ पर इसमें आपको मसाज के ऑप्शन मिल जाते हैं फ्रंट की दोनों सीट्स में, एंड सीट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी बोलस्टरिंग वगैरह जो है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से आप डिग्री दिया गया है, तो उसको आप ऊपर नीचे करके इसकी बोलस्टरिंग वगैरह जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे आपको फीचर्स मिल जाएंगे इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन के अंदर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी आपको वो सब इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, बैटरी रेंज परसेंटेज वगैरह कितनी है, एंड ऑफ रोडिंग वाले जो फीचर्स आपको एक्सेस करने हैं वो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो वो भी आप मोड के हिसाब से आप जो चेंज करेंगे तो उस तरह से इसका लेआउट ओवरऑल हो जाएगा। एंड स्पीडोमीटर वगैरह यहाँ पर दिया गया है, एंड इसके साथ साथ क्रूज कंट्रोल, ADAS वगैरह के आपको साइंस यहाँ देखने को मिल जाएंगे जो कि आप यहाँ स्टीयरिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। राइट साइड में इसके दिए गए हैं, लेफ्ट साइड में जो है इंफोटेनमेंट स्क्रीन को कंट्रोल करने के बटन्स हैं, एंड लेदर स्टिच, पियानो ब्लैक एंड सिल्वर एक्सेंट्स इसके स्टीयरिंग व्हील में दिया गया है। प्रीमियम मामला पूरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पर डैश की बात करें, तो सॉफ्ट टच मटेरियल, लेदर स्टिच का इस्तेमाल करा गया है। दो टोन का ऑप्शन है, एक ग्रे टोन में है और एक ब्राउन टोन का भी ऑप्शन रहने वाला है। अगर आपको वो ऑफ करना है तो वैसा ही आपको सेंटर में भी, इसके डोर्स में भी वैसा ही आपको पैटर्न देखने को या कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, अगर आपको वो चाहिए तो ब्राउन टोन में। इसके अलावा सेंटर में यहाँ पे दो कप होल्डर्स, वायरलेस चार्जिंग, USB-C चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे दो दिए गए हैं। आर्मरेस्ट के नीचे भी काफ़ी अच्छी खासी डीप जगह है, एंड दो USB-C चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। 5-zone क्लाइमेट कंट्रोल इसमें आता है, यानी कि पहली कतार के लिए, दूसरी कतार के लिए दो, एंड थर्ड रो
है इस EQS के अंदर, तो वहाँ भी आपको एक अलग जोन दिया गया है डेडिकेटेड एसी के लिए इस मर्सिडीज की EQS 580 के अंदर। सो ओवरऑल मोटा मोटा कुछ ये मामला है, बाकी सब जो चीज़ें हैं फीचर्स वगैरह हैं कोई कमी नहीं है। मर्सिडीज की गाड़ी है तो वैसे ही कुछ फीचर्स आपको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे मेमोरी सेटिंग्स के, सीट एडजस्ट के बटन वगैरह देखने को मिल जाएंगे, एंड बोमेस्टिक का साउंड सिस्टम इसमें दिया गया है। पिछली कतार में चलते हैं, स्पेस वहाँ कैसा है एक बार उसको देखते हैं। सेकेंड रो की बात करें तो यहाँ पे थाई सपोर्ट अच्छा खासा है, लेग रूम एम्पल है, हेडरूम एवरेज हाइट के हिसाब से या फिर 6 फुट के भी अगर आप हैं तो वहाँ पर भी आपको हेडरूम की मुझे लगता है कमी नहीं होने वाली है। अच्छा खासा यहाँ पे आपको स्पेस दिया गया है सेकंड रो के अंदर। सीट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, 60-40 स्प्लिट के साथ है, दोनों साइड आपको बटन्स दिए गए हैं, एंड यहाँ पे कुछ हद तक इसका एंगल भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये भी एक फीचर यहाँ पे दिया गया है। ऑल्सो हेडरेस्ट के लिए भी यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए बटन दिया गया है ऊपर की तरफ। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको सेंटर में आर्मरेस्ट मिल जाता है, जहाँ पे आपको एक टैबलेट दिया गया है, इससे आप कुछ फीचर जो है इसके ऑपरेट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा सेंटर में यहाँ पे एक वायरलेस चार्जिंग का यहाँ पे ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अलग से भी स्क्रीन दी गई है पीछे के पैसेंजर्स के लिए, तकरीबन 11 इंच के साइज़ की ये स्क्रीन है। एंड इन केस अगर आप बूट को एक्सेस करना चाहते हैं यहीं बैठे बैठे, तो यहाँ पर इसको डाउन करें एंड यहाँ से आप बूट को भी एक्सेस इसके कर सकते हैं। तो ये कुछ हिसाब किताब इसकी दूसरी किताब में देखने को मिलता है। एंड अगेन डेडिकेटेड वेंट्स यहाँ पर सेकंड रो के लिए देखने को मिलते हैं। वी पिलर में भी यहाँ पे एसी वेंट्स दिए गए हैं, एंड सनरूफ भी यहाँ इसमें आपको मिल जाता है, पैनोरामिक सनरूफ जो कि स्प्लिट में दिया गया है। तो ओवरऑल मामला इन टर्म्स ऑफ स्पेस, इन टर्म्स ऑफ लग्जरी भी अच्छा खासा इस मर्सिडीज बेंज की EQS 580 में देखने को मिलता है दूसरी कतार में। थर्ड रो कितनी प्रैक्टिकल है एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। अब थर्ड रो की बात करूँ तो बैठते ही समझ आ गया कि यहाँ पे एडल्ट वाला मामला तो बिल्कुल नहीं है, तो बच्चे हैं छोटे तो मे भी 5-10 साल के बच्चे हैं तो वो में भी बैठ सकते हैं। यहाँ पे थाई सपोर्ट नहीं है, लेग रूम ना के बराबर है, आगे कोई बैठा है उसको सीट पूरी पीछे करनी है तो वो भी ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। सेकंड रो को भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा अगर कोई पीछे बैठा है तो। लेकिन यहाँ पर जो है आप छोटे बच्चे या पेट, इन केस आपको यहाँ पे किसी पेट को बैठाना है तो यहाँ पे उस स्पेस के हिसाब से मुझे लगता है ये आप यूज़ कर सकते हैं, बट अदरवाइज नॉट प्रैक्टिकल फॉर एडल्ट्स। USB-C चार्जिंग पॉइंट्स दोनों साइड दिए गए हैं, दो यहाँ पे दिए गए हैं, दो इधर दिए गए हैं, कप होल्डर्स दोनों साइड दिए गए हैं, एंड डेडिकेटेड AC वेंट्स दिए गए हैं यहाँ पे दोनों साइड पीछे के जो पैसेंजर्स हैं जो बैठना चाहते हैं। तो ये कुछ ओवरऑल मामला है इस मर्सिडीज बेंज की EQS 580 की दूसरी कतार का। सेकेंड रो को आपको ऑपरेट करना है, आगे पीछे करना है, तो उसके लिए यहाँ पे पावर बटन्स दिए गए हैं दोनों साइड के लिए। एंड अब देखते हैं बूट पे क्या स्पेस है, किस तरह का मामला इन टर्म्स ऑफ बूट स्पेस यहाँ पे दिया गया है। अब बूट स्पेस की बात करें तो थर्ड रो अप होने के बाद तकरीबन ये कुछ स्पेस बचता है 200 लीटर के आसपास, 250 लीटर के आसपास का तकरीबन यहाँ पे स्पेस है। लेकिन आप अगर इसकी थर्ड रो डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए स्पेस बन जाता है तकरीबन 880 लीटर के आसपास का स्पेस बन जाता है। एंड इन केस आप इसकी सेकंड रो भी डाउन करते हैं तो तकरीबन 2000 लीटर के आसपास का ओवरऑल स्पेस यहाँ पे बन जाता है। एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो फीचर या फंक्शन होना चाहिए था, अगर आपको इन केस यहाँ से इसकी थर्ड रो को अप करना है तो वो मैन्युअली ही आपको आगे जाए करनी पड़ेगी, उसके लिए इलेक्ट्रिकली पावर बटन नहीं दिए गए हैं। सो ओवरऑल मामला कुछ इन टर्म्स ऑफ यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलता है इस EQS 580 के अंदर। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इस EQS 580 की परफॉर्मेंस, ड्राइव और हैंडलिंग कैसा इसमें देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इस मर्सिडीज की EQS 580 के बारे में, परफॉर्मेंस को लेकर किस तरह से ये गाड़ी परफॉर्म करती है एंड ओवरऑल ड्राइव हैंडलिंग किस तरह से इस मर्सिडीज EQS में देखने को मिलती है। कुछ आंकड़ों की पहले बात करते हैं। सो इसमें जो है दो मोटर का इस्तेमाल करा गया है जो पावर जनरेट करती है अराउंड 536 BHP एंड टॉर्क जनरेट करती है 858 न्यूटन मीटर्स का। 122 किलोवाट आवर का बैटरी पैक इसमें दिया गया है और टॉप स्पीड इसकी जो है वो है 210 किलोमीटर पर आवर और 0-100 टच करती है मात्र 4.7 सेकंड्स में। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं तो अलग अलग मोड इसमें दिए गए हैं, स्पोर्ट मोड है, इंडिविजुअल मोड है, इको कंफर्ट मोड है और ऑफ रोड मोड भी इसमें देखने को मिलता है। तो अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करें, स्पोर्ट मोड में मैंने इस गाड़ी को एक्सपीरियंस किया तो वहां पर गाड़ी का परफॉर्मेंस वाकई सरप्राइजिंग है। एंड शुरुआत से एक्सीलरेशन जब आप देते हैं स्पोर्ट मोड में तो वहाँ पर गाड़ी का जो रॉ पावर है वो निकलता हुआ दिखाई देता है,
और प्रॉपर तेज तर्रार ये गाड़ी 7 सीटर होने के बावजूद भी महसूस होती है अगर आप इसको स्पोर्ट मोड में एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो। उसके अलावा भी जब मैं इसको इको मोड में चला रहा था या कंफर्ट मोड में चला रहा था तो परफॉर्मेंस वहाँ पर भी अच्छा था, लेकिन सिटी के हिसाब से मुझे लगता है वो दोनों मोड ज़्यादा प्रेफरेबल रहेंगे। बट अदरवाइज अगर आपको ऑफ रोडिंग भी करनी है तो वहाँ पर भी वो ऑप्शन इस मर्सिडीज की इलेक्ट्रिक EQS 580 में दिया गया है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे लगता है मामला काफ़ी सॉर्टेड इस गाड़ी में देखने को मुझे मिला है। अब ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग भी तेज तर्रार गाड़ी है तो रोकने के लिए स्टॉपिंग पावर, ब्रेकिंग पावर अच्छी होनी जरूरी है। तो वहां पर भी इस EQS ने मुझे निराश नहीं करा। जब मैं तेज रफ्तार में इसको चला रहा था तो वहां पर भी अगर सडन ब्रेकिंग मुझे करनी थी तो ब्रेक्स की बाइट अच्छी देखने को मिल रही थी। एंड सिटी के हिसाब से भी बैक टू बैक ब्रेकिंग जब मुझे करनी पड़ रही थी तो मुझे लगता है वहां पर भी ब्रेकिंग इसमें प्रिसाइज देखने को मिल रही थी, कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग मुझे इसमें महसूस नहीं हुई। इसके अलावा बात करें सस्पेंशन सेटअप की तो वहां पर एयर सस्पेंशन इसमें दिया गया है। आप उसकी हाइट कम या ज्यादा कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टेरेन। अगर आप ऑफ रोड मोड में स्विच कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो इसके हिसाब से एडजस्ट भी कर लेगा, लेकिन बैलेंस जो है सस्पेंशन सेटअप में वो भी अच्छा देखने को मिलता है। एंड ओवरऑल जो राइड क्वालिटी और कंफर्ट है वो भी काफी सॉर्टेड मुझे इस मर्सिडीज की EQS 580 में देखने को मिला है। तो ये एरिया भी मुझे काफी सॉर्टेड यहाँ पर महसूस हुए हैं। अब रेंज की बात करें तो तकरीबन 800 किलोमीटर के आसपास का ARAI रेंज मर्सिडीज इस EQS के साथ क्लेम कर रही है, लेकिन अगर WLTP रेंज की बात करें तो वहाँ पे 650 किलोमीटर का नंबर क्लेम मर्सिडीज कर रही है। लेकिन अगर आप रियल वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ पे आपको 500-550 के आसपास की रेंज ये मर्सिडीज EQS 580 देने में जरूर कामयाब होने वाली है। तो रेंज के हिसाब से मुझे लगता है अगर आप लंबे ट्रैवल के लिए भी जा रहे हैं तो वहाँ पर भी रेंज एनफ है। अगर आप चार्जिंग वाला मामला थोड़ा सॉर्टेड करके चलते हैं तो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं इस EQS 580 के साथ तो मुझे लगता है वहां पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। एंड ऑफ कोर्स सिटी के हिसाब से जो रेंज का नंबर है वो तो सॉर्टेड महसूस होता ही है। अब बात करते हैं धांसू और नॉर्थ धांसू एलिवेंस, क्या लगे मुझे इस 1,42,00,000 की मर्सिडीज EQS 580 को एक्सपीरियंस करने के बाद। तो पहले बात करते हैं नॉर्थ धांसू एलिवेंस की, जिसमें से पहला है इसकी थर्ड रो के लिए पावर्ड बटन्स का ऑप्शन नहीं दिया गया है, मैन्युअली आपको उनको ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो वो मुझे लगता है एक फीचर वहां पर मिसिंग जरूर है इस EQS 580 में। दूसरा नॉर्थ धांसू एलिवेंस जो मुझे लगा है इसके बारे में वो है इसकी अगेन थर्ड रो का स्पेस। नॉट सो प्रैक्टिकल फॉर एडल्ट्स बट प्रैक्टिकल एनफ फॉर किड्स, अगर आप वहाँ पे कुछ उस तरह से उसको यूज़ करना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस EQS 580 के बारे में। तो पहला है इसका डिज़ाइन, ओवरऑल जो एक्सटीरियर डिज़ाइन है प्रीमियम है देखने में एंड ओवरऑल एरोडायनामिकली भी काफ़ी इसका अच्छा डिज़ाइन देखने को मिलता है। दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा इसके बारे में वो है इसके कैबिन का जो फील है, स्क्रीन दिया गया है हाइपर स्क्रीन ह्यूमंगस एंड वहाँ पर लग्जरी को लेकर भी कोई कमी कैबिन में इसके महसूस नहीं होती है। देन तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट है वो है इसके परफॉर्मेंस को लेकर, तेज सर्रार है। स्पोर्ट मोड में जब मैं इसको चला रहा था तो वहाँ पर सरप्राइज जरूर ये गाड़ी मुझे कर रही थी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। ओवरऑल एज ए पैकेज की बात हूँ तकरीबन 1,40,00,000 के आसपास इसका एक शोरूम प्राइस रखा गया है। तो जिस तरह के फीचर्स, जिस तरह की लग्जरी और जिस तरह का रेंज मर्सिडीज अपनी इस EQS 580 में ऑफर कर रही है तो मुझे लगता है ये एक ऐसा पैकेज है जो आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के साथ साथ सिटी के कम्यूट में भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड ओवरऑल जो रेंज है वो भी काफ़ी इसकी अच्छी देखने को मिलती है। एंड इन सब चीज़ों का मिश्रण अगर आप एक इलेक्ट्रिक प्रीमियम लग्जरी SUV में तलाश रहे हैं तो मुझे लगता है मर्सिडीज की ये नई EQS 580 एक अच्छा पैकेज आपके लिए बन सकती है।